हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ रिश्ता बंसल मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था बायो मॉलिक्यूल आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन्स हम लोग पॉलीस कंप्लीट कर चुके थे जो कि क्या था एक तरीके का पॉलीमर था और प्रोटीन्स भी अपना एक तरीके का पॉलीमर है तो देखिए ये आ, आ, जो प्रोटीन्स है वो कहाँ मिलता है अपने बॉडी के अंदर मिलता है अपने बॉडी का हर एक पार्ट प्रोटीन का बना हुआ है जैसे अपने नेल्स अपने हेयर्स अपना सब कुछ अपना प्रोटीन्स का बना हुआ है और जो प्रोटीन की मोनोमर यूनिट है वो क्या है अल्फा अमीनो एसिड होता है तो देखिए प्रोटीन्स के बारे में चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क मिल्क में मिलता है और साथ में चीज के अंदर पल्सिस के अंदर पीनट्स के अंदर और फिश के अंदर कहते हैं ना कि प्रोटीन की कमी हो गई है तो आप मिल्क लीजिए ठीक है पनीर खाइए चीज़ लीजिए पल्सेस खाइए दालें खाइए पीनट्स खाइए और फिश भी खा लीजिए दे आर अकर इन एवरी पार्ट ऑफ़ द बॉडी यही बताया था कि अपने बॉडी के हर एक पार्ट में अपना क्या मिलता है प्रोटीन्स मिलता है फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ और क्या करते हैं अपने फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो अपना पूरा स्ट्रक्चर है वो सब प्रोटीन्स का बना हुआ होता है तो देखिए दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ तो ये ग्रोथ जैसे अपना प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो क्या होता है ग्रोथ रुक जाती है है ना क्योंकि सेल्स के अंदर प्रोटीन मिलता है अब ग्रोथ के लिए क्या चाहिए प्रोटीन तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी और बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटीन जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है ग्रीक वर्ड से आया है प्रोटीजिज विच मीन्स प्राइमरी और ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस जिसका क्या मतलब है कि प्राइमरी इम्पोर्टेंस क्या है वो है अपना प्रोटीन ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स ठीक है जो प्रोटीन्स हैं अपने वो क्या हैं किसके पॉलीमर हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर हैं तो हम अब स्टडी करेंगे किसकी अल्फा अमीनो एसिड्स की कि क्या हैं ये अमीनो एसिड्स तो देखिए अमीनो एसिड्स जिसके अंदर देखिए आर सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच और एन एच टू जिसके अंदर देखिए ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और एम्यूनो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है अब इसमें जो आर ग्रुप है वो अलग अलग होता है अगर आर ग्रुप के आधार पर हमारी प्रोटीन के नेम और जो एम्यूनो एसिड्स के नेम है वो कैसे हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं अब इसका थ्री डी के अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं जैसे कार्बन कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और दोनों हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन पीछे है और आर जो ग्रुप है वो अपना आगे लगा हुआ है और सी डबल बॉन्ड ओ एच फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है तो देखिए समझ में आया ये क्या है अपना एमिनो एसिड्स हैं अब देखिए इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर टोटल ट्वेंटी अमीनो एसिड्स मिलते हैं टू जिसमें से टेन तो अपन के बॉडी के अंदर बनते हैं और टेन अपन को बाहर से लेने होते हैं अब जैसे ये जो है अमीनो एसिड्स इसके अंदर देखिए फर्स्ट आता है ग्लाइसिन ग्लाइसिन जिसके अंदर जो आर ग्रुप था ना इसमें जो ये आर ग्रुप है वो क्या होगा हाइड्रोजन तो इसको क्या बोलेंगे ग्लाइसिन देखिए और इसका जो फर्स्ट लेटर है जी ये इसका कोड है ठीक है जो एमिनो एसिड है उसका नाम क्या होगा अपना ग्लाइसिन ठीक है सेकेंड आता है alanine. Alanine के अंदर क्या होगा? आर ग्रुप की जगह सीएस लगा दें तो क्या बन जाएगा हमारा एलेनिन और ए एल ए से डिनोट करते हैं थ्री लेटर सिंबल से भी डिनोट करते हैं इनको और जो वन लेटर सिंबल है वो क्या है ए वैलिन वैलिन के अंदर आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ होता है R जो group होता है वो कौन सा होता है isopropyl group होता है और इसको three letter के अंदर VAL लिखते हैं और इसका वन लेटर के अंदर कोड क्या होता है v. Leucine, fourth number की amino acid है अपनी ल्यूसिन ल्यूसीन के अंदर देखिए आइसोप्रोपिल ग्रुप है ठीक है आइसोप्रोपिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच नहीं है उसके बीच में क्या आ जाता है सी एच टू देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हो जाती है इनकी थोड़ा सा साइड कर देते हैं अब देखिए ये कार्बन था कार्बन से एक सी डबल बॉन्ड एक मिनट एक सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप लगा हुआ था इस साइड एन एच टू लगा हुआ था और यहाँ हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप था अब आर ग्रुप की जगह हमने क्या लगा दिया सी एच टू यहाँ सी एच सी एच थ्री और सी एच थ्री तो ये क्या बन गया ल्यूसिन ऐसे ही आइसोल्यूसिन आइसोल्यूसिन में क्या होगा यहाँ पर सी एस सी एच टू है और जो सी एच है यहाँ पर सी एस सी लगा हुआ है इससे तो इसको बोलेंगे आइसोल्यूसिन इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं आई एल ई e, और I से कैपिटल I है है ना आर्जिनिन आर्जिनिन के अंदर जो R ग्रुप है वो हम ये लेते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं ए जी से ठीक है और इसका जो सिंबल है वो क्या है आर देखिए इसका सिंबल अलग है इसमें ए से डिनोट नहीं किया गया है आर्जिनिन को किससे डिनोट किया गया है आर से डिनोट किया गया है ठीक है लाइसिन लाइसिन के अंदर देखिए सी एच टू कितनी है फोर है और साथ में एनएस जुड़ा हुआ है तो आर ग्रुप तो अपना ये है और इसको किससे डिनोट किया गया है एल वाई एस और देखिए लाइसिन को जो डिनोट करते हैं सिंबल से वो क्या है अपना के याद रखना है लाइसिन को किससे डिनोट करते हैं हम के से ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड के अंदर देखिए सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच है देखिए इस तरीके से यहां पर कार्बन C डबल बॉन्ड ओ एच फिर NH2 टू ग्रुप और हाइड्रोजन देन R ग्रुप की जगह क्या लगा हुआ है सी एच टू सी एच टू और C डबल बॉन्ड ओ एच यही लगा हुआ है ठीक है तो ये कौन सा हो गया ग्लूटामिक एसिड अगर हमारा एस्पार्टिक एसिड में क्या होगा अगर हमारा ये सी एच टू ग्रुप हटा दें हम ऐसे और इसमें सीधा सी एच टू से बॉन्ड बन जाए और सी डबल बॉन्ड ओ एच तो ये क्या हो जाएगा हमारा एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टिक एसिड को किससे डी से डिनोट किया गया है ठीक है ग्लूटेमी ग्लूटेमिन के अंदर क्या होता है एमाइड ग्रुप होता है ये सी डब ये वाला जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वहाँ उसकी जगह क्या आ जाता है एमाइड ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू देखिए इसके अंदर सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और इसका एमाइड ग्रुप लगा हुआ है ठीक है तो ये क्या हुआ ग्लूटेमिन है ना इसके अंदर जब हमारा कौन सा ग्रुप था फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप था तब तो ग्लूटेमिक एसिड था ठीक है अब जब इसके अंदर एमाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाता है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके एमाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तब इसका नाम क्या हो जाता है ग्लूटेमीन ठीक है और ग्लूटेमीन को किससे डिनोट करते हैं है, क्यू से डिनोट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोगों का अब एस्पार्टिक एसिड है अब एस्पेरेजिन है अब इसके अंदर देखिए CH2, C double bond OH है. यहां पर एस्पार्टिक एसिड के अंदर है है OH, है इसकी जगह आ जाता है. तब इसको इसको क्या बोलते हैं और इसको से किया गया थ्रियोनिन के अंदर और सीरिन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है देख लीजिए पूछा जाता है थ्रियोनिन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहोलिक सीरीन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहलिक एस्पेरिजिन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप एमाइड एस्पार्टिक एसिड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीरीन एस ई आर और यहाँ एस ठीक है इनसे डिनोट करते हैं ठीक है फोर्टीन आता है सिस्टीन सिस्टीन के अंदर थायोल ग्रुप होता है एसएच थायोल ग्रुप होता है और मेथियोनिन के अंदर भी थायोल ग्रुप होता है सिस्टीन को किससे डिनोट करते हैं सी से और मेथियोनिनस को एम से फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन फिनाइल नाम से पता चल रहा है तो इसके अंदर जो आर ग्रुप है वो कौन सा है C6H5CH2 इसके अंदर बेंजीन रिंग मिलती है देखिए कार्बन कार्बन से ये तो फिक्स है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और NH2 ग्रुप मिलेगा और एक हाइड्रोजन R ग्रुप चेंज हो रहा है अब फिनाइल एलानिन है तो CH2 देन इससे इस तरीके से कोई बेंजीन रिंग लगी हुई है तो इसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो फिनाइल और इसको क्या और इसको किससे डिनोट किया गया है देखिए 1 मिनट X से 1 मिनट इसको एफ से डिनोट किया गया है टायरोसिन टायरोसिन के अंदर देखिए पैरा हाइड्रोक्सी है इसके अंदर यहाँ पर टायरोसिन के अंदर जैसे C6H5 था यहाँ पर इसकी पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप और लगा दिया है ठीक है इसको किससे डिनोट किया गया है Y से डिनोट किया गया है ठीक है ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर देखिए इमिडाजॉल सॉरी इसके अंदर देखिए इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है ये क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है कौन सा देखिए ये अपना इंडोल है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो जो अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से इंडोल रिंग किस में मिलती है तो देखिए ट्रिप्टोफेन में मिलती है अब यहाँ पर इसका कोई सी एच टू ग्रुप लगा हुआ है और इससे यहाँ पर ये H, -O -H और NH2 इस तरीके से अपन को ये ट्रिप्टोफेन की स्ट्रक्चर मिल जाती है और ट्रिप्टोफेन को किससे डिनोट करते हैं डब्लू सिम्बॉल्स याद रखनी है इनको इनके कोड याद करनी है Histidine. Histidine के अंदर ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है ठीक है H I S से डिनोट करते हैं और ये एच है प्रोलिन प्रोलिन के अंदर कौन सी रिंग मिलती है एक दो तीन चार पाँच फाइव एटम्स की रिंग प्रेजेंट होती है और इसको पी से डिनोट करते हैं तो ये अपने पूरे ट्वेंटी के ट्वेंटी एमिनो एसिड हैं अब इन एमिनो एसिड्स के अंदर टेन तो असेंशियल होंगे और टेन नॉन असेंशियल होंगे देखिए एमिनो एसिड्स, असेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल असेंशियलो एसिड असेंशियल असेंशियलो एसिड में कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होंगे अपन को बाहर से लेने होंगे तो इसके अंदर टेन आते हैं इन टेन को लर्न रखने का एक तरीका है टी वी एम आई मिल पी ए टी एच हो गया टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन हो गया लर्न टी वी मिल पाथ ठीक है इसका टायरोसिन वैलीनिन, मैथ्योनिन आइसो ल्यूसिन ल्यूसिन लाइसिन और ये फिनाइल एलेनिन आर्जिनिन और ये ट्रिप्टोफेन और हिस्टिडिन ठीक है? ये अपने कौन से हैं असेंशियल एमिनो एसिड्स हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स बाकी के सारे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होंगे जो कि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एस्पेरेजिन और ग्लूटेमिन ठीक है एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं कलरलेस होते हैं और क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स होते हैं दीज आर वाटर सॉल्यूबल कैसे होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके क्या होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं क्योंकि ये क्या पॉलीमर Poly, फॉर्म uh, कर लेते हैं और पॉलीमर जैसे ही फॉर्म कर लेंगे तो क्या होगा इनको uh, अलग करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तो हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड होते हैं एंड बिहेव लाइक अ सॉल्ट सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं रादर देन सिंपल एमीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों करते हैं भाई देखिए इसके अंदर जिटर आयन के फॉर्म में मिलता है क्यों जब जैसे इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है यह अपना क्या है अपना अल्फा इमिनो एसिड्स है अब इसके अंदर जो ये वाला एच है यह मूव कर जाता है अब जैसे ये एच यहां आएगा किसकी प्रेजेंस में एक्वस मतलब वाटर की प्रेजेंस में जैसे ये यहां आएगा तो यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा निकल के आएगा और यहां आ जाएगा पॉजिटिव तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमारे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं ज़िटर आयन ठीक है इन एक्वा सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लॉसेस अ प्रोटोन एंड एमिनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन एमिनो ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है अब गिविंग राइज़ टू अ डाइपोलर आयन नोन एज ज़िटर आयन अच्छा इसके अंदर चार्ज उत्पन्न होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये इनका डायपोल मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है डायपोल मूवमेंट इनका डायपोलर डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज होगा और और आयन रहा है। आयन बना मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो नेगेटिव उसको बोलते हैं डायपोलर दिस इज अ न्यूट्रल अब ये वैसे तो न्यूट्रल है देखिए क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज ने इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर रखा है बट कंटेन्स बॉथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दोनों ही चार्जेस इसके एक ही स्पीसीज के अंदर कंटेन रखता है अब देखिए जैसे इसकी पीएच का मतलब जैसे मान लो पीएच जानते हो पीएच मीटर इसके, इसके अंदर 14 तक होता है जैसे वन यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व इस तरीके से ये 14 तक होता है, है ना थर्टीन एंड फोर्टीन अब इसके अंदर जो पी होता है वो होता है माइनस लॉग एच प्लस कंसनट्रेशन मतलब एच प्लस की कितनी कंसनट्रेशन है वो इसकी पी कहलाती है अब जैसे मान लो हमारी पी की वैल्यू कम होती है मतलब सेवन से बिलो होती है तो हमारा वो एसिडिक होता है मीडियम कैसा होगा एसिडिक मीडियम होगा अगर हमारी पी की वैल्यू सेवन से अबव होती है तो वो मीडियम कैसा होता है बेसिक होता है ठीक है अब इसके अंदर देखिए ज्विटर आयन है और हमने लो पी पर देख रहे हैं लो पी पर मतलब एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम के अंदर क्या हुआ एच प्लस होंगे और एच प्लस एनएससी पॉजिटिव फॉर्म कर रहे होंगे एच प्लस होंगे तभी तो यहां से ओ OH, एच पर इस H+ को कौन निकाल सकता है OH- निकाल के लेके जा सकता है लेकिन ये मीडियम कैसा है लो पीएच दे रखी है, मीडियम एसिडिक दे रखा है तो क्या होगा यहाँ पर एनएसिटिक पॉजिटिव फॉर्म करेगा लेकिन एट हाई पीएच हाई पीएच पर क्या होगा हाई पीएच पर इसमें OH- होंगे और OH- होंगे तो वो H+ को ले जाएंगे यहां से इसके H+ को लेकर जाएंगे और ये वाला आयन फॉर्म कर लेंगे तो मतलब यहाँ एक एक जगह तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक जगह नेगेटिव चार्ज आ रहा है ठीक है अगर हम इनको इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोड लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तब इसके अंदर देखिए इसका जो मूवमेंट होता है वो किसकी तरफ होगा कैथोड की तरफ क्योंकि कैथोड पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज और इसका मूवमेंट किस तरफ होता है एनोड की तरफ क्योंकि एनोड पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज कैथोड और एनोड क्या है इलेक्ट्रोड्स हैं ठीक है अब ये हमारा जिटर आयन है अगर जिटर आयन से पूछते हैं कि तू कहाँ जाएगा कैथोड की तरफ जाएगा या एनोड की तरफ जाएगा ये कहता है मैं भैया कहीं नहीं जाऊंगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज ही है मैं तो यहीं रहूंगा तो जिटर आयन इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव नहीं करता है समझ में आया ठीक है तो ये है एमिनो एसिड्स तो एमिनो एसिड्स के बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं इसमें से ठीक है इजी आते हैं तो इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं ठीक है तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं थैंक यू